हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है प्रेशर रिलीफ वाल्व। दोस्तों, क्या है कि प्रेशर रिलीफ वाल्व हम लोग कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसका क्यों क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, ये सब वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, क्या है कि ये प्रेशर रिलीफ वाल्व का डिफिनेशन जो है कि जो एक्सेस प्रेशर कहीं किसी भी सर्किट में जनरेट होने से पहले इसको हम लोग सेव करते हैं, बचाते हैं इसको, किसी भी इक्विपमेंट को डैमेज होने से हम लोग इसको बचाते हैं, इसलिए हम लोग प्रेशर रिलीफ वाल्व को यूज करते हैं। दोस्तों, क्या है प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो दो ठो ड्राइंग हम बनाए हैं। ये पहला ये ड्राइंग है। दोस्तों, क्या होता है ये प्रेशर लाइन, क्या है कि किसी भी लाइन में हम लोग लगाते हैं इसको, इंस्टॉल करते हैं। एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। दोस्तों, अगर मैं किसी भी प्रेशर, किसी भी सिस्टम में वर्किंग प्रेशर अगर 100 बार है, तो ये 100 बार, अगर 100 बार वर्किंग प्रेशर अगर मेरा 100 बार है, तो हम क्या करते हैं इसको 10% या 15% एवं इसको हम सेट करते हैं। कहने का मतलब तात्पर्य यह है दोस्तों कि ये जो स्प्रिंग थ्रो जो पॉपेट है, इसको क्या है कि अगर मेरा इनलेट और आउटलेट में 100 बार प्रेशर चाहिए, तो हम इस पॉपेट को स्प्रिंग के थ्रू हमने क्या किया है 110 बार पे सेट किया है, मतलब 10% बढ़ा के इसको हम सेट किया है। दोस्तों, होता क्या है कि अगर इनलेट और आउटलेट जो है ये क्लोज सर्किट है, अगर आउटलेट में कहीं अगर प्रॉब्लम है या कहीं अगर ये क्लोज हो जाता है, तो क्या होगा कि आगे जो है लाइन को डैमेज कर सकता है, इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है, और एक सेफ्टी पर्पज से जो मैन पावर वहां काम कर रहा है उसको भी डैमेज कर सकता है। तो उससे पहले क्या होता है, ये स्प्रिंग के थ्रू जो हम इसको एक जो एडजस्टमेंट स्क्रू है उसके थ्रू हम क्या किए हैं, इसको हम सेट किए हैं 110 बार, मतलब 110 बार में सेट किए हैं। तो अगर ये डिटेक्ट करेगा कि मेरा प्रेशर जो है आउटलेट में बढ़ रहा है, तो ये पॉपेट को क्या करेगा, ये प्रेशर क्या करेगा, इस पॉपेट को क्या करेगा कि ये अपवर्ड उसको पुश करेगा। जब अपवर्ड ये पुश करेगा, तो फिर क्या होगा कि बैक फ्लो हो जाएगा, और ये बैक फ्लो थ्रो क्या होगा, रिजर्वायर में चला जाएगा। तो आगे जो सर्किट है दोस्तों, वो सर्किट आपको डैमेज होने से बच जाएगा। तो हम लोग प्रेशर रिलीफ वाल्व तीन चार शब्दों में इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि सबसे पहली बात तो है क्या कि ये हम लोग को एक सेफ्टी पर्पस है, दूसरी में क्या है कि हमारे इक्विपमेंट को डैमेज होने से बचाता है, और थर्ड में क्या है कि हम एक सेव वर्किंग प्रेशर को हम एडजस्ट करके अपना काम करते हैं। तो दोस्तों, ये है प्रेशर रिलीफ वाल्व एक ड्रॉइंग है। और हाइड्रोलिक में हम लोग जो दोस्तों है इस तरह का हम लोग यूज करते हैं। हाइड्रोलिक में क्या है कि इस ये प्रेशर रिलीफ वाल्व है। प्रेशर रिलीफ वाल्व में क्या करते हैं कि स्प्रिंग है और ये पॉपेट है। जो ये पॉपेट आपको दिखाई दे रहा है, यही पॉपेट ये है। स्प्रिंग के थ्रू हम क्या किए हैं, जिस तरह के स्प्रिंग के थ्रू इस पॉपेट को हमने सेट किया है, इसी स्प्रिंग के थ्रू क्या किए हैं कि इस पॉपेट को हमने सेट किया है। तो दोस्तों, होता क्या है कि अगर ये आउटलेट में प्रेशर इंक्रीज करने लगेगा, तो एक लाइन इसमें से इंटरनल लाइन रहता है, इंटरनल लाइन से क्या करता है कि इस पॉपेट को फिर ये स्प्रिंग फोर्स को ये क्या करता है कि इधर से पुश करता है। पुश करने से पॉपेट फिर इस लाइन में आ जाएगा। इस लाइन के थ्रू पूरे के पूरे प्रेशर जो है, पूरे के पूरे वायर जो है, रिजर्वायर में ड्रेन हो जाता है। तो दोस्तों, क्या है कि हम प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लोज सर्किट में। क्लोज सर्किट में आप प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा के चलाइए, उससे क्या होगा कि आपका इक्विपमेंट भी बचेगा, आपका क्या होगा कि आप जो सेफ्टी पर्पस है, वो सेफ्टी पर्पस के थ्रू भी इसको हम उस व्यू से भी हम देखते हैं और इसको हम यूज करते हैं। तो दोस्तों, सारे हाइड्रोलिक इक्विपमेंट में हमारे जो है प्रेशर रिलीफ वाल्व होते हैं, या किसी भी वेसल में अगर हम किसी भी इक्यूमुलेटर में अगर एयर को हम इक्यूमुलेट करते हैं, कंप्रेस एयर को अगर इक्यूमुलेट करते हैं, तो उस जगह पे भी हम प्रेशर रिलीफ वाल्व लगाते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोग को कैसा लगा इस वीडियो और इस टॉपिक में, तो इसमें कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और इसको देखिए। गुड नाइट।